प्रियजनों स्वागत है तमारू भगवत स्मरण परिवार मा। त्रण वर्षे आवता अधिक मासनी शुद्ध पक्षनी पद्मिनी एकादशी क्यारे छे? 28 के 29 जुलाई। उपास क्यारे करवो? पारणनो समय शुं छे? केम आ एकादशी खास छे अने आ एकादशीनुं व्रत करवाथी शुं फळ मळे छे ते बधुं आजे आ वीडियोनी अंदर आपणे जाणीशुं। तो आप मारी साथे आ वीडियोना अंत सुधी जोडायेला रहेजो। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत छे तमारू आपणी यूट्यूब चैनल भगवत स्मरणमां। अधिक मासनी शुद्ध पक्षनी एकादशी ने पद्मिनी एकादशी कहे छे। पद्मिनी एकादशी एना नाम परथी ज खबर पड़ी जाए के परम पद अपावनारी एकादशी छे। पद्मिनी एकादशीना व्रतना प्रभावे कार्त वीर्यए महापराक्रमी रावण ने हराविने परम पद प्राप्त कर्यु हतु ते कथा आपणे एकादशीना दिवसे सांभळीशुं। हिंदू शास्त्रमां एकादशी तिथिनुं एक विशेष महत्व छे। एकादशी तिथि दर महीनामां बे वखत आवे छे, एक तो शुद्ध पक्षनी अने बीजी वद पक्षनी। एकादशीना दिवसे भगवान विष्णुने समर्पित छे। एकादशीना दिवसे विष्णु भगवाननुं पूजन करवाथी विष्णु भगवाननी विशेष कृपा रहे छे। एवुं मानवामां आवे छे के मनुष्य द्वारा थयेला दरेक पाप कर्ममांथी मुक्ति मेळवा माटे एकादशीनुं व्रत करवामां आवे छे। हिंदू धर्ममां वेद अने शास्त्रनुं महत्व वधारे छे। ग्रंथोमां पद्मिनी एकादशीनुं विगतवार वर्णन करवामां आव्युं छे। आ दिवसे भक्तो विष्णु भगवानना 10 अवतारमांथी कोई पण अवतारनुं पूजन करे छे। पद्मिनी एकादशीनुं व्रत करवाथी मनुष्यना समस्त पाप नष्ट पामे छे अने परम पदनी प्राप्ति थाय छे। आ एकादशीनुं व्रत कोई पण करी शके छे, चाहे नाना मोटा स्त्री पुरुष बाळको के वैष्णव शुद्ध क्षत्रिय वैश्य गम्मे ते होय ते पण आ व्रत करी शके छे। अने जेनुं शरीर स्वस्थ ना रहेतुं होय ते लोकोए एकादशीनुं व्रत न करवुं जोईए। आपणे पद्मिनी एकादशीनी वधु माहिती जाणीए ते पहेला जो तमे हजी सुधी चेनल सब्सक्राइब नथी करी तो चेनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबावनारी नई वीडियो माटे, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करो अने तमारा साथी मित्रों अने ग्रुपोमां शेर करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मासनी शुद्ध पक्षनी एकादशी ने पद्मिनी एकादशी कहेवामां आवे छे। दर मासनी एकादशी तिथि खास ज होय छे, तेमां पण अधिक मासनी शुद्ध पक्षनी एकादशीनुं महत्व वधारे छे। कारण के आ तिथि दर 3 वर्षे आवती होवाथी तेनुं महत्व घणुं वधी जाय छे। आ दिवसे जगतना पालनहार भगवान विष्णुनुं पूजन करवामां आवे छे। एकादशी समस्त पाप नष्ट करी आलोक अने परलोकमां मुक्ति आपनारी छे। एकादशीना दिवसे विष्णु भगवानना पूजननी साथे साथे गाय माता, तुलसी माता, पीपळानुं वृक्ष तथा शिवलिंगनुं पूजन करवामां आवे छे। गाय माताનું पूजन કરવાથી सर्व देवी देवताओंना आशीर्वाद मळे छे। तुलसी માતાનું પૂજન કરવાથી સુખ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને પીપળાના વૃક્ષનું પૂજન કરવાથી પિતૃદેવના આશીર્વાદ મળે છે। આ દિવસે શિવલિંગ પર જળ, દૂધ, ફૂલ, બિલીપત્ર, ચંદનનો અભિષેક કરવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને આ અધિક શ્રાવણ હોવાથી શિવલિંગનું સંપૂર્ણપણે પૂજન કરવું જોઈએ। દર માસની શુક્લ અને કૃષ્ણ પક્ષની 2 એકાદશી આવે છે। અધિક માસની શુદ્ધ પક્ષની એકાદશીને પદ્મિની એકાદશી કહે છે અને 3 વર્ષે આવતા પુરુષોત્તમ માસની 2 એમ કુલ 26 એકાદશીઓનો ઉલ્લેખ આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રમાં થયો છે અને આ દરેક એકાદશીનું એક વિશેષ મહત્વ હોય છે। આ વર્ષે 2023ની અધિક માસની શુદ્ધ પક્ષની પદ્મિની એકાદશી તિથિની શરૂઆત 28 જુલાઈ 2023 શુક્રવાર બપોરે 2:51 થાય છે। તિથિની સમાપ્તિ 29 જુલાઈ 2023 શનિવાર બપોરે 1:05 થાય છે। ઉપવાસ સૂર્યોદયથી શરૂ થતો કરવો જોઈએ માટે
अधिक मासनो शुद्ध पक्षनी पद्मिनी एकादशीनो उपवास 29 जुलाई 2023 शनिवारना रोज करवो। आ दिवसे पूजननो शुभ समय सवारे 7:36 थी 9:15 मिनिट सुधीनो छे। पारणानो समय 30 जुलाई 2023 रविवार सवारे 5:51 थी 8:24 मिनिट सुधीनो छे। आ पद्मिनी एकादशीनो व्रत पूर्ण श्रद्धा राखीने करवामां आवे तो जेने त्यां संतान सुख न होय तेवाओने पुत्र धन अने यशनी इच्छावाळो पुत्र जन्म ले छे ते लोकोए आ एकादशीनुं व्रत अवश्य करवुं जोईए। प्रियजनो आ हती अधिक मासनी शुद्ध पक्षनी पद्मिनी एकादशीनी माहिती। हूँ आशा राखुं छुं के आप मारी साथे वीडियोना अंत सुधी जोड़ाईने संपूर्ण माहिती खबर पड़ी गई हशे। ते छता तमारो कोई पण प्रश्न होय तो आप मारा व्हाट्सएप नंबर पर जे स्क्रीन पर देखाई रह्यो छे तेनी पर मैसेज करीने तमारो प्रश्न पूछी शको छो। मित्रों हूँ आशा राखुं छुं के आ वीडियो आपने जरूर पसंद आव्यो हशे। आप पुरुषोत्तम मासनी शुद्ध पक्षनी पद्मिनी एकादशीनी रावणनी व्रत कथा सांभळवा माटे इच्छुक होय तो चेनल हमणां सब्सक्राइब करी लेजो अने बेल आइकॉन जरूर दबावजो। मने सांभळवा माटे आभार अने सौने मारा राधे राधे।